ये उपाय विश्वास करिएगा रामबाण है। हर शुक्रवार की रात रात में 12:08 पर एक नारियल को अपने ऊपर से 8 बार उतार कर अपने सिराने रख दे। शनिवार के दिन प्रातःकाल 4 से 6 बजे के बीच में नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर अद्भुत कल्याणकारी शनि मंत्र है ओम सूर्य पुत्र दृग्देही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाकर प्रसादम पीड़ा हर्तम में शनि। ओम सूर्य पुत्र दृग्देही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाकर प्रसादम पीड़ा हर्तम में शनि। इस मंत्र की 5 माला जाप करें। तत्पश्चात इस नारियल को अपने ऊपर से 7 बार उतार करके पुनः आप भगवान शनिदेव की मूर्ति से स्पर्श करें उनके चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा 43 शनिवार करके देखिएगा हर कष्ट हर परेशानी छुटकारा हो जाएगा। या शुक्रवार के दिन ये उपाय प्रारंभ करें और लगातार 43 दिन जो इस विधि को अपना के देखिएगा कष्ट और परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नौकरी की कैसी भी परेशानी होगी भगवान शनिदेव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। नमो नारायण। चलिए दर्शकों, आज हमने जहां ऑकल्ट साइंसेस के एक ब्रांच अंक ज्योतिष को उठाया है, आज वास्तु के पीछे भी हम लोग बहुत भाग रहे हैं। आज आर्किटेक्ट में एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी जुड़ गई है दाती जी, कि उन्हें वास्तु के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। लोग उन्हीं आर्किटेक्ट्स को, उन्हीं बिल्डर्स को, उन्हीं को कॉन्टैक्ट करते हैं जो वास्तु से उनका घर, उनकी कोठी, उनका फ्लैट बिल्कुल डिजाइन करवाते हैं। वास्तु की बात की जाए, आज हमने पहली अपनी समस्या उठाई थी धन। धन के बिना आपने बहुत सुंदर हमें बात कही, संतोष रूपी धन। लेकिन मैं लक्ष्मी की बात करना चाहूंगी। लक्ष्मी जो ऐश्वर्या लक्ष्मी है, जो हमें सब कुछ देती है, जो आज धन आज हमारी फर्स्ट आम तौर पर अमूमन फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया है, वास्तु की दृष्टि से धन को और बढ़ाने के लिए, धन की हमारे घर में बरकत हो, आपसे वास्तु टिप्स भी आज लेना चाहेंगे। आज ऑकल्ट साइंसेस में एक साइंस और जोड़ देते हैं वास्तु, और उसके अनुसार लोग अपने वास्तु बनाते हुए घर में, जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, वो अपने घर में अगर उन्हें लग रहा है उनके घर में धन की बरकत नहीं, तो वो वास्तु की दृष्टि से क्या करें खास उपाय। मैं हर विषय को सलाम करता हूं क्योंकि विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और बिटिया तुम जो कहते हो मैं बड़े ध्यान से सुनते हुए मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक विधा और जुड़ गई, लेकिन वास्तु नहीं वस्तु से जुड़ गई है। वास्तु समझना होगा। हम वास्तु परिवर्तन करते हैं, हम क्या करते हैं खिड़की बदलते थे, दरवाजे बदल देते हैं, या नाना प्रकार की झंझटें जो भी हम करते हैं वो हमें साइंस के अनुसार करना भी चाहिए और ये उपयोगी भी रहता है, लेकिन अल्टीमेट परेशानी का कारण कौन है? ये मन। हम बाहर तो बहुत कुछ परिवर्तन कर देते हैं लेकिन भीतर में परिवर्तन नहीं करते, और जब भीतर में परिवर्तन नहीं करेंगे तो बाहर का परिवर्तन हमें फल नहीं देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। वास्तु जहां हमें रहना चाहिए वहां हम है नहीं, और जहां हमें नहीं रहना चाहिए वहां 24 घंटा रहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि किचन का सामान बेडरूम में आ गया और बेडरूम का सामान किचन में चला गया, ये हमारी मुसीबत का कारण है। पहले हमें भीतर में परिवर्तन करना चाहिए, और भीतर का परिवर्तन होता है तत्व ज्ञान से, स्वयं के बोध से, स्वयं के कनेक्टिविटी से, क्योंकि मन यदि हमारे वश में नहीं है, मन हमारे पे सवार है तो कोई वास्तु हमें सपोर्ट नहीं करेगी। यदि हम मन पे सवार हो गए तो बाकी हम जो प्रयोग करेंगे हमारे लिए बहुत अनुकूल रहेंगे। तो भीतर में रूपांतरण करते हुए ये जो वास्तु है इसका हम प्रयोग करते हैं तो धन प्राप्ति में हमारे लिए बहुत अनुकूल। अगर सबसे महत्वपूर्ण वास्तु का एक सिद्धांत है, कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज सीढ़ियों का निर्माण धन प्राप्ति में बाधे में लक्ष्मी की का, बिल्कुल मैंने देखा है वास्तु शास्त्र के अनुसार कि यदि मकान के उत्तर पूर्व हिस्से में सीढ़ियों का निर्माण हुआ है तो धन प्राप्ति में प्रॉब्लम आई। उत्तर पूर्व हिस्से में न टॉयलेट होना चाहिए न सीढ़ियां होनी चाहिए, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और परिवार में हमेशा पैसे की तंगी रहती और कोई न कोई सदस्य बीमार रहता है। ये वास्तु सिद्धांत और वास्तु मनुष्यों के अनुसार कहना चाहता हूं। अब सीढ़ियों का निर्माण किधर होना चाहिए तो दक्षिण पश्चिम दिशा बहुत अच्छी मानी गई है। यदि अपने घर में सीढ़ियों का निशान सीढ़ियां जो बनानी है दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाएंगे तो धन प्राप्ति में वास्तु बहुत अनुकूल सपोर्ट करेगी, ऐसा मैंने देखा है। मां लक्ष्मी का प्रवेश उस घर में बहुत सुंदरता से होता है जिस घर में दहलीज होती है। मकान के प्रवेश द्वार पर दहलीज होने से अशुभ ऊर्जा पर भीतर प्रवेश नहीं करती है और मां लक्ष्मी की कृपा रहती है और घर में सुख शांति रहती है। यदि आप अपने घर में दहलीज का निर्माण कराएं और दहलीज के नीचे चांदी का तार लगवा देंगे तो शुभ ऊर्जा का प्रवेश होगा, मां लक्ष्मी की अपार कृपा होगी, धन की बचत होगी, धन के आवक होगी और धन का प्रवेश बहुत जल्द होगा आपके घर में। यह अद्भुत है। एक जमाना था जब हम लोग घर बनाते समय हमारा घर का केंद्र बिंदु हमेशा खाली रखते थे,
केंद्र बिंदु हमेशा एक कहीं ना कहीं हम भी जगह बीच में छोड़ देते, वहां तुलसी का पौधा लगा देते थे, वो ईसा कच्चा भी होता था, वहां घी का दीपक जा आंगन जैसे आंगन होता था। आजकल जगह की इतनी कमी होगी है, इतनी कमी होगी कि मल्टी बिल्डिंग में बनने लगी, अब ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन यदि वास्तव में आप केंद्र स्थल खाली रखकर कोई बिल्डिंग बनाई जाए तो एक दो बिल्डिंग बहुत प्रगतिशील, वो बिल्डिंग बहुत जल्दी बिकेगी, उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग सुखी रहेंगे और बहुत शुभ रहेगा। केंद्र बिंदु खाली रखना ये बहुत अच्छा, बीच में कोई खंभा नहीं होना चाहिए, बीच में कोई दीवार, केंद्र के स्थल बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी का प्रवेश बहुत अच्छा रहता है। धन जहां रखते हुए अलमारी, धन रखने की जगह हमेशा दक्षिण पश्चिम भाग में होनी चाहिए और अलमारी का मुंह हमेशा उत्तर की ओर खुलना चाहिए। अगर अलमारी को दक्षिण पश्चिम में लगाने की वजह नहीं है या जगह नहीं मिल रही है तो पश्चिम में रखा जाना चाहिए, लेकिन उसका मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। कभी अलमारी खाली नहीं रहेगी और मां लक्ष्मी की कृपा रहेगी। ये वास्तु के चार तीर्थ थे, लेकिन फिर कहना चाहता हूं कि तुझा आहे तुझा पासे परी जागा चुकला से, वो आनंद वो धन का खजाना भीतर है। जब तक हमारी भीतर की वास्तु परिवर्तन नहीं होगी, बाहर की वास्तु परिवर्तन कितना भी कर लीजिए, सकुन और शांति नहीं होगी। बिटिया नमुना रहे, बहुत सुंदर आपने कही, वास्तु ने यानी वस्तु, वस्तुओं से ही आज हम खुशियां ढूंढते हैं, वस्तुओं में देते हैं, अच्छा भवन, अच्छी गाड़ी, अच्छी बीवी, अच्छी नौकरी, अच्छी चीजें, ना जाने कितने गैजेट्स के पीछे पड़ रहे हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही बात आ जाती है, संतोष रूपी धन नहीं मिल पाता। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, समस्याएं सुनते हैं। देवेंद्र जी की कॉल लेना चाहेंगे जो कि हमारे साथ जुड़े हैं अमृतसर से, बहुत बहुत स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ आप बता सकते हैं? हेलो, सुन पा रहे हैं देवेंद्र जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 25/8/1977। समय बता दें। रात के 8:45। कहाँ हुआ है जन्म आपका? अमृतसर। गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ। गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाहते हैं, कौन से सेक्टर से रिलेटेड हैं आप? अभी तो प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। प्राइवेट तो कर रहे हैं, कहाँ, किस चीज से हैं? बिजली में हैं, कहीं सरकारी, मतलब एलआईसी में? हाँ जी, एलआईसी में। एलआईसी में है, अच्छा ठीक है। दादी जी एलआईसी में है, लोगों के भविष्य को सुनियोजित करते हैं, उनका सिक्योर करते हैं, क्या ये अपना भविष्य सिक्योर कर पाएंगे, यानी गवर्नमेंट जॉब में इन्हें कोई चांसेस दिख रहे हैं आपको? मीन लगन धनुराशि राहु की दशा और जन्म कुंडली ये कहते हैं इन्हें जॉब प्राइवेट में ही करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाहिए, प्राइवेट जॉब इनके लिए। और इस समय जिससे कि खड़े युगायोग है, 2014-19 अप्रैल तक जॉब परिवर्तन नहीं करना चाहिए, नुकसान होगा। जॉब में स्थिरता के लिए अपने गले में 8 मुखी रुद्राक्ष 8 दाने डाले और हर रोज भगवान शिव के सलाक्षी मंत्र का जाप करते हैं, भगवान शिव के शिवलिंग में जल और गंगा जल से अभिषेक करेंगे तो इनके लिए बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। नमो नारायण जी। हैं चंडीगढ़ से अगले कॉलर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ आप बता सकते हैं? हेलो। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं? हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1982। 12/12/82। हाँ जी, टाइम है 9:25 सुबह के। 9:25 सुबह के चंडीगढ़ का जन्म है जी। अच्छा, क्या जानना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा कोई काम सेट नहीं हो रहा है, मैं कारोबार करूँ या नौकरी करूँ या फिर मैं विदेश चला जाऊँ, इसके बारे में जानना चाहता था महाराज जी से। जरूर जरूर राम जी, आपके इस समस्या का उत्तर देंगे दाती जी महाराज जी। दाती जी, धनु लगन तुला राशि शनि की दशा, 2017 तक ये दशा है, जन्म कुंडली ये कह रही है कि 2013-19 अक्टूबर तक आपको नौकरी ही करनी है, अभी अपना बिजनेस शुरू नहीं करना। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अक्टूबर 2013 के बाद, जहां तक विदेश जाने की बात है, घूमने फिरने के लिए आप जाएंगे तो, यदि आप बिजनेस के दृष्टिकोण से बाहर जाएंगे तो इतनी सफलता नहीं मिलेगी। जन्म कुंडली ये कह रही है कि समय 4 अगस्त 2012 के बाद बहुत अनुकूल और बहुत शुभ है, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं।